हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कैनन के 200D मार्क II के बारे में। कैनन के 200D मार्क II कैमरा को इस्तेमाल करते हुए मुझे एक साल हो गया है, और एक साल में मैंने इस कैमरे से क्या क्या आउटपुट निकाला और इससे क्या क्या सीखा है, मैं आप सबसे सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जो लोग ये कैमरा खरीदने वाले हैं उनको पता चल जाए इसमें क्या क्या अच्छाई है और इसमें क्या क्या बुराई है। तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए चलो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं इस वीडियो को। वैसे तो मैं एक वीडियोग्राफर हूँ, पर कभी कभी मैं इस कैमरा से फोटोग्राफी भी कर लेता हूँ। तो फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको मिलता है 24.1 मेगापिक्सल का कैमरा, क्रॉप सेंसर है ये। इसमें आपको मिलता है DG8 प्रोसेसर, जो आपको मिलता है 90D में। तो इसमें भी आपको वही सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो DG8 प्रोसेसर लेटेस्ट प्रोसेसर है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो फोटो के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मुझे व्यू पॉइंटर में मिल जाता है 9 आउट ऑफ फोकस, और इसमें से जो मिडिल वाला फोकस है वो है क्रॉप फोकस, जिससे आपको सब्जेक्ट को फोकस करने में बहुत ही आसानी होती है। इसमें आपको वाइड बैलेंस के लिए केल्विन नहीं मिलता है, इसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड वाइड बैलेंस है जो कि काम में आ जाता है, बहुत अच्छा ही काम कर लेते हैं। इस प्राइस पॉइंट में ये बहुत एक उम्दा कैमरा है, अगर कोई लेने की सोच रहा है तो अभी भी 2022 में वो ले सकता है। मैं आपको बिल्ट इन फ्लैश मिलता है, लेकिन इस बार इस कैमरा में कोई भी डेडिकेटेड स्विच नहीं दिया है, इसको ऐसे आप हाथ से ओपन कर सकते हैं, ऐसे ही ये ओपन हो जाता है। इसमें कैनन के 200D मार्क II में बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है, इसमें कोई सेंटर पिन नहीं दिया गया, जिससे कि आप 3-4 हज़ार रुपये के मैनुअल फ्लैश नहीं यूज़ कर सकेंगे। आपको कम से कम 10,000 या 20,000 के करीब कुछ फ्लैश, TTL फ्लैश यूज़ करना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉस्टली आता है। एक बिगिनर के लिए इतना खर्चा करना आसान बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं TTL फ्लैश यूज़ कर लेता हूँ। मैं वीडियोग्राफर हूँ तो मुझे फ्लैश कभी कभार ही लगाना पड़ता है। तो फोटोग्राफी करने के लिए आपको इसमें ISO मिल जाता है 100 से लेके 25,600 तक, जो लो लाइट कंडीशन में बहुत ही अच्छा फोटो खींचने के लिए काम आता है। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ आप इसमें 1600 ISO के ऊपर मत जाइए, तो इसमें जो फोटो खींचने से डॉट गेन आ जाते हैं व्हाइट कलर के। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप 1600 ISO तक ही इसको इस्तेमाल करें। और अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो इस बैटरी को एक बार फुल चार्ज करने से आपको 800+ शॉट्स मिल जाते हैं, मुझे तो 800 से ज़्यादा ही मिले थे। वीडियो की स्पेसिफिकेशन से देखें तो आपको इसमें मिल जाता है 180p 60fps पे, बहुत जो कि बहुत अच्छी बात है। 60fps में बाद में आप इसको स्लो मोशन कर सकते हैं, और इसमें मिल जाता है 4K, लेकिन वो क्रॉप फैक्टर होता है 4K, 30fps आपको इसमें मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। इस पॉइंट प्राइस पॉइंट में 4K रिकॉर्डिंग और कोई भी कैमरा नहीं देता। वीडियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ISO रेंज आपको इसमें मिल जाता है 12,800, लेकिन मैं इसमें भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 1600 ISO के ऊपर मत जाइए, बिकॉज वो गेन आ जाता है इसमें। वीडियो में वॉइस कैच करने के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड माइक्रोफोन का स्लॉट दिया है, आप यहाँ पे माइक्रोफोन अटैच करके वीडियो शूट कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाता है HDMI पोर्ट का एक स्लॉट मिल जाता है, आप यहाँ से HDMI पोर्ट लगा सकते हैं। और एकदम नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे है बैटरी का स्लॉट, और मेमोरी कार्ड भी यही पे लगता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका बैटरी, ये कैमरा बहुत ही लाइट वेट है, जिससे कि होता क्या है आपको इस कैमरा को होल्ड करने में बहुत ही आसानी होगी, और इस कैमरा को आप घंटों तक हाथ में पकड़ के शूट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही लाइट वेट कैमरा है, आपको इसमें कोई भी इनबिल्ट स्टेबलाइजर नहीं मिलता है। वैसी बात है कि इस प्राइस पॉइंट में किसी भी कैमरा में इनबिल्ट स्टेबलाइजर नहीं आता, इसमें आपको स्टेबलाइजर मिलेगा तो सिर्फ लेंस में, अगर कुछ लेंस में स्टेबलाइजर होगा तो अभी तो आप स्टेबल कर सकते हैं अपनी वीडियो को। इस बजट पॉइंट में सबसे बढ़िया चीज, इस कैमरा में आपको आई आउट ऑफ फोकस मिल जाता है, जो सभी सबसे क्लोजेस्ट आईज पे फोकस करता है। इस प्राइस रेंज में कोई भी कैमरा आपके आई ट्रैकिंग फीचर नहीं देता सिवाय इस कैमरा के। इस कैमरा में मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो इसके टिल्टिंग डिस्प्ले, फोटोग्राफी हो या वीडियोग्राफी, वेरिएंट डिस्प्ले होने की वजह से मैं किसी भी एंगल से इसको देखकर अच्छी अच्छी फोटो और वीडियो निकाल सकता हूँ। तो ये फुल्ली टच स्क्रीन है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा घूम जाता है 180 डिग्री, इससे आपको खुद देख के फोटो या वीडियो शूट कर सकते हैं। ये ब्लॉगर के लिए बहुत अच्छा कैमरा है ये फीचर। इस प्राइस पॉइंट में अभी तक कोई और कैमरा, अच्छा कैमरा नहीं आया है, ये एक बहुत अच्छा कैमरा है बिगिनर्स के लिए। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।